So greetings friends, Deep Harsh Gupta and Manav Thakkar. We are from the Trishla sales team and aaj hum aapko thoda sa hamare project Trishla City ke bare mein batana chahenge. जैसे हम जानते हैं हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी एक मेन रोड हाईवे पे होनी चाहिए जहाँ पे आपका हर कोई आता जाता बोर्ड देख सके, लेकिन जो रेजिडेंशियल आपका घर होता है वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में होना चाहिए. सो हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है. ये पटियाला हाईवे से मात्र 2 मिनट की दूरी पर है एंड ये हाईग्राउंड रोड पर एग्जैक्टली लोकेटेड है जो कि जीरकपुर की वाइडेस्ट रोड है. दिस इज़ अबाउट 110 फीट वाइड एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली वेल मेंटेन रोड बिकॉज ये एयरफोर्स की रोड है. सो इसकी वजह से जो इसकी लोकेशन है दैट इज़ कम्प्लीटली अनबीटेबल एंड वन ऑफ द बिगेस्ट USPs ऑफ आर प्रोजेक्ट. सो तो हमारा जो ये एंट्री और एग्जिट आप देख पा रहे हैं ये बड़ा ही ग्रैंड एंट्री और एग्जिट है विथ प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स जो स्टार्ट हो जाती है हमारे बूम बैरियर से. बिकॉज दिस इज अ प्रीमियम प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे बहुत ही हाई क्लास फैमिलीज रहती हैं. सो वी आर प्रोवाइडिंग 7 tier सिक्योरिटी विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन नेशनल लेवल. तो आपको शायद इस पूरी वीडियो में हम सारे उसके पॉइंट्स बता भी ना पाएं. तो मानव जी आपके साथ जुड़ गए हैं, ये आप वीडियो उनकी देख रहे हैं. जब आप इनसे मिलने आएंगे तो ये आपको प्रॉपरली सारा एक्सप्लेन करेंगे. इसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो कि बाकी सोसाइटी से हटके हैं. दिस प्रोजेक्ट इज थीम्ड ऑन अ रिजॉर्ट. सो दिस इज द अल्टीमेट लग्जरी पीसफुल लाइफ एक्सपीरियंस जो हमने यहाँ पे देने की कोशिश की है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी आपको हर जगह कोने कोने में दिखेगी. अगर हम अंदर की डेली नीड्स की शॉप की बात करें तो हमने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है. देयर आर 15 शॉप्स जो प्रॉपर ऑपरेशनल हैं. आपकी डेली नीड्स की कोई भी ज़रूरत है यहाँ से रेजिडेंट्स जो हैं अपनी पूरी कर सकते हैं. जैसा कि अब मैं हम चलते चलते आपको बताएंगे कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट है जिस पे हम चल रहे हैं स्पेसिफिकली हमारा ये जॉगिंग ट्रैक है. सो दिस जॉगिंग ट्रैक रन्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एंड इट इज़ अबाउट 1.5 किलोमीटर्स लॉन्ग. तो मतलब आप शाम को जब एक चक्कर लगाने निकलें सैर करने तो आपका 15 से 20 मिनट का एक चक्कर होता है. सो पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे गया. एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाता है स्विंग्स एरिया सारे छोटे बच्चों के लिए. यहाँ पे राइट साइड पे हम डेवलप कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स अरीना. सो जो ये स्पोर्ट्स अरीना होंगे इनमें मल्टीपल गेम्स होस्ट की जाएंगी जैसे कि क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, सॉकर हो गया, टेनिस हो गया. सो बेसिकली टू अकोमोडेट एवरी एज ग्रुप एंड एवरी स्पोर्ट पॉसिबल. तो यहाँ से अब हम चलते हैं. हमारा ये पार्क के साथ साथ ऐड हो जाता है हमारा यहाँ पे स्विमिंग पूल का एरिया. सो दिस इज़ अ फुली लग्जूरियस प्रोजेक्ट विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड लग्जरीज. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बिग साइज स्विमिंग पूल आपको देखने का मौका मिलेगा. एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल. मतलब इट इज़ ऑपरेशनल 7 days अ वीक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. तब भी आप पानी का कलर देखेंगे तो आपको एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर दिखेगा. एंड यहाँ पे हमने बच्चों के लिए छोटा पूल रखा है, सेपरेट किया है. 2-2.5 feet तक इसकी डेप्थ जाती है. इसके साइड में हमने यहाँ पे डीपर साइड रखी है जो कि 5-5.5 feet तक जाती है जहाँ पे बड़े लोग अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बर्ड्स की चर्पिंग सुना पाएँ. तो आई होप आप लोगों को सुन रही हो. तो यहाँ पे प्यारी सी बर्ड्स चप 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 कर रही हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी बिग हाईलाइट. असी इतने एक मिनी गोल्फ एरिया तैयार कर जा रहे हैं. सो फॉर द पीपल हु लव गोल्फ एंड जिन्होंने गोल्फ खेलने का बहुत शौक उन्होंने छोटी जी इतने पटिंग रेंज बनेगी जिन्होंने इतने आके इंजॉय कर सकते हैं. जिन्हें कदम चाहते अं गोल्फ सीखिए इंजॉय करिए बट मौका नहीं मिल पाया हूँ आपका घर इतने लैके आप चाव पूरा कर सकते हैं. ये नंबर दोबारा सुनिए. 20,000 से भी ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं. 20,000 से ज़्यादा ट्रीज़ एंड प्लांट्स लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट में. जब आप रहेंगे तो आपकी जो ब्रीदिंग क्वालिटी है, आपका जो माइंड का प्रेशर है वो कम्प्लीटली लो हो जाता है, कम्प्लीटली रिलीज़ हो जाता है और आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है बिकॉज यू आर कम्प्लीटली ब्रीदिंग इन द नेचुरल ग्रीन हैबिटेट. हम रिजॉर्ट की ही इसी प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट रिजॉर्ट पे घूमने जाते हैं वीकेंड पे. 60-70,000 रुपीज़ खर्च के आते हैं फॉर 1 weekend एंड यहाँ पे आप एवरी सिंगल डे उस रिजॉर्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं.
हेलो फ्रेंड्स, सो अब हमने त्रिशला सिटी प्रोजेक्ट देख लिया है, अब हम आपको दिखाते हैं जो हमारा नया अंडर कंस्ट्रक्शन में 3BHK आ रहा है उसका. सो दिस इज़ अ 1827 स्क्वायर फीट फ्लैट एंड दिस इज़ अ फुली फिनिश फ्लैट. एंड फुली फिनिश की मैं जानता हूँ मार्केट में बहुत डेफिनेशन है कि ये मिलता है ये मिलता है, पर मैं इतना कन्फर्म करता हूँ इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलता. आइए प्लानर जी, थोड़ा हमें प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए हमारे फ्लैट के. थैंक यू सर, थैंक यू. तो फ्रेंड्स, राइट फ्रॉम द एंट्रेंस अगर मैं शुरू करूँ तो ये हमारा स्मार्ट मल्टी फंक्शन लॉक है. मल्टी फंक्शन लॉक होने की वजह से इसकी खासियत ये है कि ये RFID चिप, OTP, आपके फिंगरप्रिंट, आपके कीपैड और की से खोला जा सकता है. तो मैं इसे अभी ऑपरेट करता हूँ कीपैड से. राइट फ्रॉम द एंट्रेंस हम देख सकते हैं कि ये जो मैसिव डोर हम यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये वुडन डोर नहीं है बल्कि 35mm थिकनेस से बना हुआ माइल्ड स्टील का डोर है. और इसके दोनों तरफ गैल्वेनाइज्ड शीट्स हैं जिन पे वुड की पॉलिश की गई है, जिससे इसे एक वुडन स्ट्रक्चर होने का पूरा एहसास होता है. सो जैसा कि मानव जी ने बताया, जो ये हमारा डोर है दिस इज़ अ कम्प्लीटली स्टील डोर, थिक स्टील का. सो हमारा ये दावा रहता है, एक पंसा रहता है कि अगर किसी ने फ्लैट में आपके ब्रेक इन करना है तो शायद दीवार तोड़ के तो वो आ जाए पर डोर तोड़ के नहीं आ सकता. सो दिस इज़ अ वेरी थिक स्टील डोर जिससे आपकी प्रोटेक्शन बहुत होगी एंड इट इज़ ऑल्सो फायर रेजिस्टेंट. सो ये मल्टीपल आवर्स तक फायर को अंदर की बाहर नहीं जाने देगा, बाहर की अंदर नहीं आने देगा. सो अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड पे है एंट्रेंस पे हमारा ड्राइंग रूम आता है. सो दिस इज़ अ ह्यूज साइज ड्राइंग रूम, 8-सीटर सोफा इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी एंड इसमें आप 2-सीटर और ऐड कर सकते हैं मास्टर चेयर्स ऐड करके. सो दिस विल बी अ वेरी बिग 10-सीटर सोफ़ा. सो मैं आपको थोड़ा स्पेसिस के बारे में बता रहा था. अब अगर यहाँ पे खड़े होकर मैं आपको बताऊँ कि हम फ्लैट में क्या क्या दे रहे हैं, जैसे कि मैं बताया था फुली फिनिश्ड में. सो आप जैसा ऊपर देख सकते हैं आपको डिज़ाइनर सीलिंग मिलेगी विद एम्बिएंट लाइटिंग एंड सीलिंग लाइट्स. सो ये पूरी की पूरी जैसी दिखाई है वैसी ही पूरे फ्लैट में आपको दी जाएगी एट नो एडिशनल कॉस्ट. आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पीछे AC लगा हुआ है. सो आपको पूरे फ्लैट में नॉन ब्रांड्स के हिटाची, डाइकन या वोल्टास के ऑल वेदर मतलब हॉट एंड कूल्ड इन्वर्टर AC मिलेंगे. सो ये आपको पूरे फ्लैट में इंस्टॉल्ड मिलेंगे. एंड अगर हम फ्लोर पे थोड़ा फोकस करें तो यहाँ पे इटालियन मार्बल फिनिश का फ्लोर होगा एंड ये सारा का सारा जिस तरह आप देख रहे हैं गॉर्जियस लुकिंग फ्लोर इसी तरह आपको दिया जाएगा. सो ये हमारा था थोड़ा ड्राइंग रूम. ये हमारे ड्राइंग रूम के साथ हमारी बालकनी भी कनेक्टेड है, तो आपको बालकनी का एक व्यू देता हूँ. इट इज़ अ एल शेप बालकनी, काफ़ी बड़े साइज़ की, ताकि आप यहाँ पे भी कुछ पार्टीज़ वगैरह होस्ट कीजिए. तो ये जहाँ तक रेलिंग देख रहे हैं दोस्त आप, ये सारी की सारी हमारी बालकनी का साइज़ रहेगा. हम आप फोकस डालेंगे थोड़ा सा हमारे डाइनिंग टेबल पे. सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि खुले साइज़ का यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, 6-सीटर ऑलरेडी लगा हुआ है एंड इसको आप 8-सीटर भी इजीली कर सकते हैं. हमारे पास एम्पल स्पेस है यहाँ पे. सो ये आपका एक बहुत बड़ा फीचर हो गया. इसके बाद जो मैं आपका एक गौर डालना चाहूँगा, आपकी नज़र डालना चाहूँगा, वो है हमारे इस होम्स पे जो कि कम्प्लीटली हमारे नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट होम्स हैं. अब जब हम घर के अंदर आ गए हैं जितने भी आपके लाइट ऑपरेशन, फ़ैन ऑपरेशन होंगे दे विल बी ऑल्सो थ्रू स्मार्ट लॉक. सो ये टच सेंसिटिव बटन होंगे अगर आप देख सकते हैं, तो ये हमारे फिंगरप्रिंट के टच से चलेंगे एंड इनका टच जो है वो इतना रिस्पॉन्सिव है कि अगर आप एक स्विच को अप डाउन करें उससे ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स टाइम रहेगा. सो ये बहुत अच्छी चीज़ है. एंड सिर्फ ये ही नहीं, दिस होम ऑटोमेशन वी हैव टेकन इट टू द अटमोस्ट प्रीमियम लेवल, मतलब सबसे ऊपर ले गए हैं. यहाँ पे आपको सेंसर स्विचेस तो दे दिए हमने, आपको साथ में हमने यहाँ पे वॉइस कंट्रोल भी दे दिया. तो वॉइस कंट्रोल से आप पूरे घर की लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप अपने AC को भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं एंड साथ में ये भी बोल सकते हैं कि वो किस टेम्परेचर पर सेट होगा. आप फैंस को कर सकते हैं, आप अपनी वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, आप जो भी आपके इस तरह के गैजेट अप्लाइंसेज हैं, TV वगैरह हो गए जो थोड़े मॉडर्न एज के हैं, आप उन सबको हमारे डिवाइसेज से कनेक्ट करके वॉइस कंट्रोल पे लेके जा सकते हैं. तो आगे जैसे जैसे जाएंगे आपको और चीज़ें बताएंगे, क्योंकि इस घर में आपको ऑटोमेशन की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी. तो अब मैं मानव जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमको थोड़ा सा आगे चलते हुए. थैंक यू सर. अब हम चलते हैं ऐसे एरिया में जिसे मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ये हमारा वन ऑफ द मेन शो स्टॉपर्स है, हार्ट ऑफ द होम जिसे कहा जाता है, राइट सर? किचन. किचन से ही एक ऐसा प्लेस है जहां से पूरी फैमिली खुश रहती है. इट्स अ मैसिव किचन. अगर हम इस किचन की साइज की बात करें तो ये 8 फुट चौड़ी है, लेकिन इस किचन की लेंथ जो है
वो 17 feet 9.5 inches है। So this wow. is a humongous kitchen. मतलब आप मान के चलिए कि आप एक सेपरेट पार्टी ही किचन में कर सकते हैं। और इसकी टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें मॉड्यूलर की, एक्सेसरीज की, एटिक जो कि एक प्रीमियम ब्रांड है, उसकी हम लोग मॉड्यूलर एक्सेसरीज यूज कर रहे हैं। जितनी भी आपकी ये एक्सेसरीज हैं, ये जैसे कि इसकी हार्डवेयर फिटिंग्स हैं, दोज विल बी ऑफ हेटिक। एंड हेटिक में भी दो ऑप्शन आती है, एक चैनल, एक आपकी इनविजिबल। अब ये इनविजिबल है, आप देखेंगे यहाँ पे कहीं आपको चैनल्स नहीं दिखेंगे, तो लुक प्रीमियम आती है और लाइफ बढ़ जाती है चीज़ की। एंड दे आर कम्प्लीटली सॉफ्ट क्लोज। इसी तरह प्रीमियम आपको हाई ग्लॉस फिनिश में मिलेंगे। एंड अगर हम अबव थोड़ा शटर्स की बात करें तो इनमें भी हमने बहुत प्रीमियम काम किया है, साथ में आपको ग्लास के शटर्स दिए हैं। एंड दी शटर्स आर ऑल्सो वेरी प्रीमियम, इनको आप किसी भी हाइट पर रोक सकते हैं। सो ये उस तरह के फीचर्स हैं जो मतलब डे टू डे किचन के यूजेज में आपको बहुत काम आएंगे। एंड साथ ही में मैं आपको थोड़ा सा दोस्तों गौर डालना चाहूँगा हमारे इस काउंटर टॉप पे। अक्सर हम देखते हैं हमारी ब्लैक कलर की ग्रेनाइट की लगती है। सो दिस मटेरियल दैट इज़ यूज्ड, इट इज़ क्वार्ट्ज। दिस इज़ अ प्रीमियम नॉर्थ अमेरिकन न्यू आइटम इंट्रोड्यूस्ड, एंड ये सारे नॉर्थ अमेरिका में यूज़ हो रही है। एंड इसकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी, लुक, प्राइस सब कुछ ही ज़्यादा है, बट इससे आपकी किचन को बहुत सुंदर और ब्रांड लुक मिलती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस किचन में जितने भी आपको अप्लायंसेस देख रहे हैं, एक फ्रिज को छोड़ के एवरी सिंगल थिंग इज़ इंक्लूसिव। अगर मैं बात करूँ इस हॉब या इस चिमनी की, सो दिस चिमनी इज़ अ फेवर ब्रांड, टॉप ब्रांड्स की मिलेगी, एंड दिस इज़ इंक्लूसिव। एंड इसमें भी होम ऑटोमेशन है। चिमनी आपके हाथ, आप कुकिंग कर रहे हैं, गंदे होते हैं, आप चाहते नहीं आपकी चिमनी पे लगे, सो दिस इज़ ऑल्सो जेस्चर कंट्रोल। आप सामने हाथ वेव कीजिए एंड ये ऑन हो जाती है, सामने हाथ वेव कीजिए ये ऑफ हो जाती है। सो ये इसमें कुछ इस तरह के हम ऑटोमेशन दे रहे हैं। आपकी इसमें हॉब भी फेवर ब्रांड की कम्प्लीटली सीमलेस इंक्लूसिव होगी। अगर हम पीछे आते हैं, यहाँ पे आपको एक डिश वॉशर भी साथ में इंक्लूसिव दिया जा रहा है, फेवर ब्रांड का, एंड ये भी बहुत ही प्रीमियम स्टेनलेस स्टील फिनिश में है आपका डिश वॉशर। इसके साथ अगर हम आगे आते हैं तो आपको एक आरओ दिया जाएगा। आरओ भी कम्प्लीटली कंसील्ड होगा, बाहर नहीं दिखेगा, उसको शैबी लुक नहीं मिलेगी। आपका ये रहा आरओ का फ्रेश वाटर टैप। सो इससे आप बस ऑन करें एंड पानी निकालें। साथ में आपको ये जो किचन फॉसेट मिल रहा है, ये किचन फॉसेट भी काफ़ी मॉडलर है। दिस इज़ अ डाउन पाउट फॉसेट, सो यू कैन पुल इट डाउन, यूज़ इट इन आइदर सिंक्स, ताकि आपकी वो रीच और अप्रोच आ सके। इसमें शावर मोड एंड जेट मोड दोनों हैं। आफ्टर दैट आप इसको रिट्रैक्ट पैक कीजिए। उसके बाद मैं थोड़ा सिंक में भी फोकस डालना चाहूँगा। बेसिकली जैसा मानव जी ने कहा, जो ये किचन होती है ना, दिस इज़ द हार्ट ऑफ द हाउस। हमारी बॉडीज चलती हैं खाना खाने पे, खाना मिलता है हमें किचन से। सो किचन में हमने सबसे ज़्यादा जान डाली है। इसमें जो आप ये सिंक देख रहे हैं, दिस इज़ अ कम्प्लीटली अंडरमाउंट सिंक। इससे क्या है, आपकी एक्सेसिबिलिटी एंड यूजिबिलिटी बहुत ईजी हो जाएगी। कल को आसपास पानी गिरता है कहीं पे, तो उसको ईजिली आप स्वाइप इन करके अंदर कर सकते हैं। एंड आपके साइडों पे जो अक्सर प्रॉब्लम आती है 5-6 सालों बाद, ग्राउंडिंग निकलनी शुरू हो जाती है और शाबी लुक आती है, वो भी ख़त्म हो गई बिकॉज ये अंडरमाउंट है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें, ये दिखाएं कि ये एक ऐसे अंडरमाउंट है। काउंटर ऊपर है, सिंक नीचे है। इसके बाद ऊपर अगर हम नज़र डालेंगे तो जगुआर कंपनी का हमें इसका इंस्टेंट गीज़र मिलेगा, एंड ये गीज़र भी आपको साथ में इंक्लूसिव होगा। यहाँ पे एक बिग साइज़ की विंडो है, अभी थोड़ी कवर्ड है, आपको वो दिखाते हैं, मानो खोलेंगे। सो यहाँ से आपको साथ साथ एक्सेसिबिलिटी मिलेगी वो बालकनी की जो हमने ड्राइंग रूम से देखी, ताकि अगर आपकी ड्राइंग रूम में कोई गेस्ट आए और आपकी बालकनी में पार्टी हो रही है तो आपको यहीं से डायरेक्टली सर्व कर सकें। एंड ये आपकी बिग साइज़ विंडो होगी, एंड यहाँ से आपको मतलब जो आपका व्यू रहेगा एंड लाइट रहेगी वो बहुत ज़्यादा है। अब उसके एंड यहीं से दोस्तों हमारा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पे हमने एक पूजा का, मंदिर का, रब का स्थान बनाया है, जिसकी आप कोई भी अपनी चॉइस ऑफ रिलीजन का यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, एंड यहाँ पे इजीली वो चीज़ आ जाएगी एंड यू कैन प्रे टू योर गॉड। सो ये हमारा था किचन तक का एरिया। अब मैं यहाँ से थोड़े स्टेप्स वापस लूँगा हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि हमारा आप मान लीजिए गेस्ट बेडरूम रहता है। अब हम दोस्तों एंटर करते हैं यहाँ पे हमारा बेडरूम में। सो दिस इज़ अ बिग साइज बेडरूम, एंड जो इसका साइज़ है, इसका मानव जी साइज़ क्या रहेगा, 10.5 feet by 13 feet का इस बेडरूम का साइज़ है। एंड इसमें भी आप देख सकते हैं डिज़ाइनर सीलिंग हो रखी है, एसी लगा हुआ है, एवरीथिंग। अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा फोकस इस कबर्ड पे डालें। नाउ दिस एज यू सी इज़ अ ब्यूटिफुल कबर्ड। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल साइज की कपड़े है, इस पर विनियर का एंड एक्रेलिक का काम हुआ हुआ है। एंड अगर मैं इसकी कुछ हाइलाइट्स बताना चाहूँगा, अगर इसका हम टॉप ड्रॉर खोलें, सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली ज्वेलरी बॉक्स ड्रॉर। मैं ये कहता हूँ कि वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को बहुत प्यार करती हैं,
लेकिन वो अपनी ज्वेलरी से भी कुछ ज़्यादा ही करती हैं। सो उनकी वो ज्वेलरी प्रोटेक्टेड एंड सेफ रहे, उसके लिए हमने ज्वेलरी बॉक्स दिया। अब ड्रॉर्स भी दोस्तों अगर मैं दिखाऊँ तो हमने सिंपल नहीं दिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्लास लुक दिया ताकि इसमें लुक अच्छी आए और आप आइटम्स को ईजिली लोकेट कर सकें। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वी आर द फर्स्ट जिन्होंने हमारी कबर्ड्स के इनसाइड भी लाइटिंग प्रोवाइड की है। ये तो हम इस कबर्ड्स में सामान ढूंढते रह जाते हैं, मिलता नहीं है, हमने इसके अंदर भी लाइटिंग दिया है। कबर्ड खोलेंगे और आपकी लाइट ऑन हो जाएगी जस्ट लाइक अ फ्रिज। तो उसके बाद ये कबर्ड भी सारी की सारी सॉफ्ट क्लोज में है, तो एंड इसमें ये कम्प्लीटली विनियर फिनिश वगैरह के साथ रहेगा। अब मैं दोस्तों आपको डालना चाहूँगा आपका फोकस, हमारा यहाँ पे बिग साइज़ आपको हम वैनिटी मिरर दे रहे हैं, तो ये आपको हर बेडरूम में इस तरह मिलेगा। एंड साइड बाय साइड दोस्तों अब हम इसके आते हैं हमारे वॉशरूम में। सो अगर हम इसके वॉशरूम में आते हैं, सो ये आपको वॉशरूम की मैं टाइल्स से फोकस डालता हूँ पहले। इसी तरह कम्प्लीटली इटालियन फिनिश में मिलेगी डिज़ाइनर टू टोन टाइल्स, एंड इसमें आपको सारी जकवार की फिटिंग्स मिलेंगी जैसे कि ऑलरेडी लगी हुई हैं जकवार या कोलर ब्रांड की। आपको इसी तरह वॉल माउंटेड सीट्स मिलेंगी, क्लीनिंग रहती है काफ़ी। एंड साथ ही मैं आपको फोकस डालना चाहूँगा हमारी मोशन सेंसिंग लाइट पे, जो कि अभी ऑफ भी हुई है, तो आपको ये दिखाते हैं कि जैसे मैं हम वॉशरूम के अंदर वॉकिंग करते हैं ये मोशन सेंसिंग लाइट ऑन हो जाती है। इसका टाइमर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितने मर्जी के। अब इसके बाद दोस्तों हम बाकी चीज़ें मैं आपको वॉशरूम्स की दूसरे वॉशरूम में दिखाता हूँ, बट आपको ये मॉड्यूलर वैनिटी सिंक ये सब कुछ इस तरह मिलेगा। एंड हमारी जो बालकनी थी फ्रेंड्स वो इस बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है, तो हमने जो देखी थी जो हमारी किचन एंड ड्राइंग रूम के साथ कनेक्टेड थी। यहाँ से जब हम साथ आते हैं तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले कैमरा ही आगे जाए ताकि मोशन सेंसिंग लाइट को देख सके। जैसे ही वॉशरूम में एंटर करेंगे आप देखेंगे लाइट ऑन हो जाएगी, यस जस्ट लाइक दैट फ्रेंड्स। सो इसमें वॉशरूम को अगर आप देखें सो नॉट दिस इज ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट थीम, एंड इसकी भी ब्यूटिफुल गॉर्जियस इटालियन फिनिश का है, एंड इसको मैं आइवरी लुक आइवरी फिनिश कहता हूँ बिकॉज दे आर सुपर स्मूथ, दे आर ऑन ब्लू फिनिश। एंड ये 8 फुट बाय 5 फुट का वॉशरूम है, बिग साइज वॉशरूम। अब मैं दोस्तों आप लोगों को चाहूँगा कि जो पिछले हम चीज़ पे फोकस नहीं डाल पाए पिछले बाथरूम में, इसमें डालते हैं। जो आपको हम वैनिटी मिरर्स इसमें दे रहे हैं या सॉरी लुकिंग मिरर्स दे रहे हैं, या तो बिल्डर देते नहीं हैं, देते हैं तो सिंपल होते हैं। वी आर इंट्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट एज ऑफ वैनिटी मिरर्स, दे आर कम्प्लीटली टच सेंसिटिव लाइट अप मिरर्स। सो ताकि जब आप रेडी हो रहे हैं, आप अपने अपने आप को तैयार हो रहे हैं या देखना चाहते हैं, या लेडीज़ हमारी जो वहाँ पे सुंदर सी लेडीज़ हैं वो अपने आप को तैयार होते हुए देखना चाहती हैं, मेकअप करना चाहती हैं, तो वो इजीली कंफर्टेबली कर सके। ये आपको सारे वॉशरूम्स में प्रोवाइडेड होगी, ऑलरेडी लगी हुई है, आपको हम दिखाएंगे भी। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं दोस्तों, तो अब हम एंटर करेंगे हमारा जो सेकेंड बेडरूम है। सो नाउ दिस बेडरूम इज़ इवन बिगर देन द फर्स्ट बेडरूम, दिस इज़ अ 14 फीट बाय 11 फीट बेडरूम, बिग साइज़ बेडरूम है जैसा आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे भी एसी इंक्लूजर मिलेगा, सब कुछ वो मिलेगा। हमारी कबर्ड का डिज़ाइन चेंज हो गया, बट ये भी बहुत ही मॉडर्न कबर्ड है, तो हाँ कि हमने हर एक रूम को अपना एक थीम दिया है सो दैट इट शुड नॉट लुक बोरिंग। एंड इसकी भी मैं आपको एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा क्योंकि इसमें आपको थोड़ी वो जो ज्वेलरी बॉक्स की फील है वो ज़्यादा आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली स्वेड फिनिश में है, तो ये सिर्फ ज्वेलरी बॉक्स ही नहीं, इसकी लुक एंड फिनिश भी बहुत प्रीमियम है ताकि आपकी एक्सपेंसिव ज्वेलरी को कुछ ना हो। एंड यहाँ से दोस्तों एक बालकनी कनेक्ट है, पर मैं आपको उसका ग्लिम्स बाद में दूंगा, आपको हम दूसरे रूम से लेके जाएंगे। एंड अगर अब इसके साथ हम यहाँ पे आते हैं तो हमारी कबर्ड के साथ हमें यहाँ पे एक वही चीज़ जैसा मैंने पहले बताया, आपको एक ड्रेसिंग मिरर मिलेगा फुल हाइट का, जिसमें आपको साथ में स्टोरेज मिलेगी ड्रॉर्स वगैरह की, एंड ये भी सारे सॉफ्ट क्लोज में रहेंगे। इसके पीछे भी आपको स्टोरेज रहेगी ताकि आपकी स्टोरेज की कभी कोई कमी ना आए, एंड आपके जो रूम में लड़ाई होती है कि लोग तो दो रहेंगे लेकिन सामान किसका रहेगा, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मैं आता हूँ दोस्तों हमारे लास्ट बेडरूम में, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। नाउ दिस इज़ अ ग्रैंड बेडरूम, जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो 14 फीट बाय 11 फीट, बट इस बेडरूम की खासियत है कि इसमें कबर्ड नहीं है, सो जो एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिली वहाँ आपकी दो यहाँ पे बड़ी अच्छी मास्टर चेयर्स लग सकती हैं, इसको आप इन्जॉय करेंगे। अब मास्टर बेडरूम में अगर मैं बताऊँ तो आपकी डिज़ाइनर फॉल सीलिंग भी आ गई, आपके एसीज भी आ गए, आपके टच सेंसिटिव लाइट्स भी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन मास्टर बेडरूम में हमने एक ऐड फीचर दिया है जो कि हमारी फ्लोरिंग है। नाउ दिस इज़ अ कम्प्लीटली वुडन फ्लोरिंग फिनिश की आपकी टाइल रहेगी। अब ऐसा है दोस्तों कि हमको वुडन फ्लोरिंग तो बहुत पसंद है, लेकिन इंडियन कल्चर में वुडन फ्लोरिंग इज़ नॉट सक्सेसफुल, दो कारण। पहली बात, हवा में मॉइस्चर है, ख़राब कर देती है। दूसरी बात, हम घर के अंदर शूज़ लेके आते हैं,
जो कि इसके कारण हमको पोचा लगाना पड़ता है और फ्लोरिंग ख़राब होती है। सो हमने वुडन फ्लोरिंग दे दी लेकिन टाइल के शेप में, ताकि आपकी वो कभी ख़राब ना हो। सो इसके बाद हम आते हैं दोस्तों हमारे, चलते हैं हमारे वॉशरूम में। नाउ दिस इन माई ओपिनियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम हाईलाइट्स ऑफ दिस प्लेस, जो कि इसका वॉशरूम है। नाउ दिस इज़ अ ग्रैंड वॉशरूम, 11 feet by 8 feet का वॉशरूम है, एंड ये इसी टोन में मिलेगा आपको, ब्लैक एंड वुड टाइल की फिनिश में। ये दो टोन्स में इसी तरह रहेगा। एंड अब मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा गौर हमारी सीपी फिटिंग्स पे करें, वो भी जेक्वार की लगी हैं बट नाउ दे आर इन गोल्ड फिनिश। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, दीज फिटिंग्स आर इन गोल्ड फिनिश जैसा आप देख सकते हैं, एंड इसी तरीके से आपको दी जाएंगी। एवरीथिंग इज़ गोल्ड, आपका शावर, आपका डाइवर्टर, आपका नीचे शावर हेड, आपका हैंड से स्प्रे करने वाला जेट भी। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे सिंक की बात करते हैं तो ये आपको एक ब्लैक फिनिश में मिलेगा, एंड साथ में ये गोल्ड फिनिश में आपको इसका फॉसेट मिलेगा। सो आपकी जो वार्डरोब है वो यहाँ पे आएगी। अब दोस्तों कई लोगों का सवाल रहता है कि अगर हम वार्डरोब अंदर दे रहे हैं, अक्सर बिल्डर ये चीज़ नहीं भी करते, कि वो मॉइस्चर और पानी से ख़राब होगी। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, इनका कंसर्न ठीक है, बट हमारे ने यहाँ पे खासियत किया है, दीज आर मरीन प्लाई की, जो कि मरीन प्लाई इज़ बेसिकली अ वर्ड फॉर द ओशन। सो दीज आर ओशन प्लाई दैट इज़ कम्प्लीटली वाटर रेजिस्टेंट प्लस माइका पेस्ट ऑन टॉप। सो अगर इसको आप पानी में डिप भी कर देंगे तब भी इसको कुछ नहीं होगा। एंड इसकी फिनिश भी उसी तरह बहुत प्रीमियम है, वुड फिनिश है साथ में, ये भी आपको लाइट अप रहेंगी जैसा कि आपने पहले देखा। सो यहाँ से हमारा रूम कंप्लीट होता है। तो मानो जी आप थोड़ा बैल्कनी में एंटर करते हुए हमें थोड़ा बैल्कनी के बारे में बताएं। श्योर सर, थोड़े फीचर अगर आपको बताना चाहूँ मैं हमारे विंडोज़ के, तो UPVC हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें टफन डोर हमने लगाया है जो नॉइस रेजिस्टेंट है, 6 mm का ग्लास है, वेरी मच नॉइस रेजिस्टेंट। और एक और चीज़ हमने इसमें दी है जो है मैश डोर। अब मैश डोर का जैसे हमने बताया था अपनी लोकेशन के बारे में शुरू में, कि लोकेशन हमारी हाईवे से इतनी अंदर है कि आप चाहेंगे कि हमेशा मैश डोर ही रहे, खुला रहे और बंद रहे, और ये डोर खुले रहें आपके, ताकि आप बाहर की हवा का, बाहर की ग्रीनरी का, बाहर की ताजगी का मज़ा ले सकें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी बैल्कनी में, विच इज़ ए मैसिव मैसिव बैल्कनी, एक पूरी 6 feet वाइड रनिंग बैल्कनी है ये, जो हमारे फ्लैट के चारों तरफ से घूमती है। कि जैसे आप देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ एक बड़ी ही एक थॉटफुल चीज की है कि हमने स्टोरेज एरिया भी डिजाइन किया है यहाँ। Alexa, please turn on the dining area lights. So this is the magic of home automation. So दोस्तों जैसा कि हम इन फीचर्स को enjoy कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी एक बार आए, इनकी टेस्टिंग लें, enjoy करें, फीडबैक दें। सो जल्दी आइए बिफोर वी सेल आउट ऑफ दीज 3 BHK ब्यूटिफुली डिजाइंड लग्जरी अपार्टमेंट्स।